फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लस्टर करियर चैनल में। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ जिनका ट्वेल्थ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और उन्होंने अपने ट्वेल्थ की मार्क्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। उनकी मेहनत, उनका हार्ड वर्क सफल हुआ, उन्होंने काफ़ी जितना भी टाइम दिया अपनी स्टडीज़ को, वो सब एक सक्सेसफुल, एक गुड मार्क्स में अचीव हुआ और डेवलप हो गया। तो काफ़ी सारी बधाइयाँ आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आप सभी के लिए एक थोड़ी सी लिटिल बिट जो आपको टेंशन देगी, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको उससे फोकस, आपका गोल क्लियर होगा उससे, तो हल्का सा टेंशन लेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ्स हैं, क्या उस पर जो 2019 का ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है वो इफ़ेक्ट करेगा, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि 95% से अबव स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है, वो 38.4% इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे एक डाटा आपके सामने गिवन है कि पिछले साल 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट की जो नंबर्स थे, अमाउंट थी, वो थी 72,599, और वही 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो बढ़कर 94.299 हो चुकी है। तो काफ़ी जंप आ रहा है, यानी कि करीब 22,000 स्टूडेंट और आ गए हैं जिन्होंने 90% स्कोर किया है ट्वेल्थ में सीबीएसई के। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल ना माने कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और सभी अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। और अगर हम बात करें कि 95% स्कोर करने वाले स्टूडेंट का जो अमाउंट है वो कितना है, पिछले साल था 12,737 और इस साल वो अमाउंट है 17,693, यानी कि ये भी करीब 5,000 स्टूडेंट बढ़ चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया है 95 से अबव। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इस साल की टॉपर हैं सीबीएसई की, हर्षिता शुक्ला, उन्होंने भी कहा, वो गाज़ियाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डीयू में एडमिशन लेना चाहूँगी, सेंट स्टीफन कॉलेज में या फिर लेडी श्रीराम कॉलेज में। ये बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के, तो सेंट स्टीफन कॉलेज तो आपको पता ही है, और लेडी श्रीराम कॉलेज में 2017 की रक्षा गोपाल जो टॉपर थी सीबीएसई की, वो अभी इस टाइम थर्ड ईयर में है और बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स है उनका, तो इसलिए सब चाहते हैं कि लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन हो और काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और टीना दाबी भी आपने सुना होगा, यूपीएससी की टॉपर टीना दाबी, वो भी लेडी श्रीराम कॉलेज से पास आउट हैं और अपने कॉलेज की टॉपर हैं, सीबीएसई टॉपर भी रही हैं अपने उसमें। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने वाला है, स्टूडेंट्स काफ़ी टफ, लेकिन डरना नहीं है, इसमें डरने वाली क्या बात है, कंपटीशन तो होता है ना, आपने जो स्कोर किया किया, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आप सभी के डाउट्स को, आप सभी का एडमिशन कराने के लिए, आप सभी के लिए मैं एक लाइव सेशन ला रहा हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे और मैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। कब? अभी आपके सामने दिख रहा है ये, इसमें मैंने बताया कि 1 बजे 5 मई को, कब 1 PM आप सभी को आना है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आना है, जितना आ सके आएँ, अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर आएँ लाइव हमारे चैनल पे जो क्लस्टर के चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ 5th May 1 PM। पहली चीज़ तो ये कि आपको अपना गोल क्लियर रखना है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो लेना है, किसी भी हाल में लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एडमिशन के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ आपके मार्क्स नहीं होते, ठीक है, मार्क्स एक मेजर फैक्टर होता है लेकिन सिर्फ एक ओनली फैक्टर नहीं होता। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एडमिशन लेने के, और जिन किन किन तरीकों से आपको एडमिशन मिल सकता है, कैसे, आप पहले अपना गोल क्लियर रखें कि आपको एडमिशन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मैं आप सभी के क्वेश्चंस के क्लियर करूँगा, आप सभी को बताऊँगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, फिर से एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, और एक चीज़, जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आए वो निराश हैं, ऐसी कोई निराश होने वाली बात नहीं है, आप लोग आगे करोगे लाइफ में, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्क्स मैटर नहीं करते, वो तो बस ये कि एडमिशन के रिगार्डिंग है तो मार्क्स मैटर कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी सेम हो जाते हैं, सेम हो जाता है एडमिशन होने के बाद, सब इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो दिन रात, तो मार्क्स को लेके मत बैठे रहो कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा करो, फोकस करो अपनी चीज़ों पर, हार्डवर्क करो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ लाइव 5 तारीख को 1 बजे, और मिलता हूँ मैं आप सभी को, आप सभी के एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।